हेलो गाइस, मैं हूँ रईस अली। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग ब्लॉग्स। बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, हमने भी एक गलती करे थे गाइस। हमने क्या करे थे, दुबकाले के अंदर हमने उसे जड़ से काट दिया था। ये देखिए, उसे जड़ से उखाड़ने से उसको साइड से पांटियाँ फूटने के लिए बहुत टाइम लगता है गाइस। तो हमने बांस तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। जून जुलाई के महीने में बहुत सारे बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं हमारे। हमने जड़ से काटने से कम 2 साल 2.5 साल लग गए। तो अभी बहुत सारा बड़ा पौधा हो चुका है हमारा। तो हम उसकी ग्राफ्टिंग और बांस के झाड़ से हम किस तरह से उसे नया पौधा उगाएंगे, हमें क्या करना है, करवात और आरा पत्ती की मदद से इसे इस तरह से काट लेना है। हमें कुराड़ से तोड़ने से बहुत इधर उधर कट जाता है। तो अब हम आरा पत्ती की मदद से कट कर कर वीडियो को आखिर तक देखना गाइस हमारी। ये देखिए गाइस, हमने आरा पत्ती की मदद से इसे कट कर दिया है। अब हम इसे निकाल कर साइड में निकाल के ले लेंगे। बहुत दिक्कत होती है गाइस निकालने के लिए, इसके जो टहनी के अंदर काटे होते हैं बेरी की जैसे, देखिए निकालने के लिए बहुत परेशानी है। फिर भी हम आपको निकाल कर बता दें। चलो नहीं निकल रहा हो, एक कैंची की मदद से हम जो साइड के गुते हुए फांटी है उसे कट कर लेंगे। बहुत हार्ड आता है, देखिए ये हमारा टूट कर निकल गया है साइड में। अब हमें इसे कट कट किस तरह से करना है बताएंगे आपको। ये कम से कम 1.5 फीट का साइज हमने तोड़ कर निकाला है। इसे अब हम पूरा फ्रेश कर कर इसको, और ये बारीक बारीक फांटियाँ इसीलिए रखे ताकि वहाँ से जड़े उगना चालू हो जाए। ये देखिए, यहाँ से उसको कोमा फूटना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए, ये कम से कम 1 फीट का है ये बासा। इसे हम अब ज़मीन में लगाएंगे गाइस। चलो लगाते, जिस तरह से अंजीर की काड़ी लगाए थे हमने उसी तरह से इसको भी लगाए। बरसात के मौसम में जल्दी पौधा तैयार होता है। ये देखिए, इस तरह से हमको उसके जो फांटिया है और ये कोम है, यहाँ से भी बासा तैयार हो स्टार्ट हो जाता है। पहले भी हमने बहुत सारे पौधे तैयार करके ट्राई करा था। अप्रैल मई में नहीं आते हो, जून जुलाई के महीने में ज़्यादा उपाय करते हो। इसे हम पानी गिनी डालकर रखेंगे, तभी हमारे बैठने की जगह पे बहुत सारे फांटिया नीचे सर को लग रहे। तो हम ये हमने एक बनाया है पट्टे का, तो उसके जो सर को लगने वाले फांटी है हम उसे हम इस तरह से कट कर देते हैं। ये देखिए, फांटी तोड़कर देखिए, इस तरह से हम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक देते हैं। एक बार उगने के बाद बहुत छाव देते हैं, ये बहुत अच्छे हरा कलर भी है इसका। बैठने उठने के लिए दिक्कत हो रही थी, बहुत सारे बासे हमारे निकल आए। देखिए, जो साइड के जो फांटियाँ होते हैं उसके, इस तरह से हमने इसको नहीं तोड़ा था और ये इस तरह से नया बासा हमारा निकल आया है। कितना मोटा और हरे कलर का है ये देखिए। अभी ये कम से कम 5-6 फीट की हाइट हो चुकी है इसकी। कितना फ्रेश और साफ सुथरा कोम हमारी तैयार हो चुकी है यहाँ से। चलो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। ये वीडियो बास की अगर आपको पसंद आई हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद किसान साथियों।